नमस्कार महप्रिया, आज 11 दिसंबर। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार की बेटियों के लिए जारी हुई खुशखबरी, डीजीपी एस के सिंघल ने सभी जिलों को दिया सशस्त्र बल बनाने का आदेश। अब पंचायतों में खास अंदाज से रखी जाएगी शराबबंदी पर नजर। नीति आयोग की रिपोर्ट पर बिहार के मंत्री ने जताई आपत्ति। बिहार पंचायत में बिहार मॉडल के मुरीद हुए कई राज्य। अब चले बढ़ते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिहार की बेटियों के लिए जारी हुई खुशखबरी। बिहार सरकार की तरफ से बिहार की बेटियों के लिए खुशखबरी जारी की गई है, जिसके तहत बिहार के राज्यीकृत सहायता प्राप्त प्रारंभिक विद्यालयों में पढ़ने वाली बेटियों में जल्द स्कूल ड्रेस के लिए राज्य सरकार की तरफ से पैसे दिए जाएंगे। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पोशाक योजना और बालिका पोशाक योजना की राशि 10 दिनों के अंदर उनके खाते में डीबीटी के माध्यम से शिक्षा विभाग देगा। इसको लेकर राष्ट्रीय सूचना केंद्र के वरीय तकनीकी निदेशक को डीबीटी के माध्यम से बेटियों के खाते में राशि 10 दिनों के अंदर ट्रांसफर कर सूचना देने को कहा गया है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि शिक्षा विभाग बेटियों को पोशाक के एवज में 151,07,2,500 रुपए खर्च करने जा रहा है। सीएम ने इंजीनियरिंग कॉलेज का किया दौरा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इन दिनों लगातार बिहार के अलग अलग जिलों में घूम घूम कर शिलान्यास और उद्घाटन का काम कर रहे हैं। इसी कड़ी में बीते दिन एक बार फिर से सीएम नीतीश बख्तियारपुर पहुंचे, जहां पहुंचकर उन्होंने बन रहे इंजीनियरिंग कॉलेज का निरीक्षण किया। साथ ही उन्होंने गुणवत्तापूर्ण काम निश्चित रूप से पूरा करने के लिए अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। साथ ही इस दौरान उन्होंने कॉलेज के भवन निर्माण की प्रगति को लेकर अधिकारियों से जानकारी ली। वहीं इस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ कॉलेज के शिक्षक और विद्यार्थी ने तस्वीरें भी खिंचवाई। कॉलेज के छात्र छात्रा सीएम नीतीश के साथ सेल्फी लेते नजर आए। भ्रष्टाचार करने वाले 200 अधिकारियों पर हुई कार्रवाई। बिहार की कल्याणकारी योजनाओं को लागू करने के लिए बिहार सरकार लगातार प्रयासरत है, लेकिन इन सब के बीच बिहार सरकार के ही कुछ लोग हैं जो योजनाओं में सेंधमारी का काम करते हैं और राजा बन जाते हैं। राहत की बात यह है कि ऐसे लोगों को ढूंढने का काम बिहार सरकार जोर शोर से कर रही है। यही कारण है कि अब तक कल्याणकारी योजनाओं में भ्रष्टाचार करने वाले 200 अधिकारियों पर कार्रवाई हुई है। ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार की माने तो बिहार ग्रामीण विकास विभाग के लगभग 200 राजपत्रित अधिकारियों को जन कल्याणकारी योजनाओं में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार करने के लिए सजा दे दी गई है। डीजीपी एसके सिंघल ने सभी जिलों को दिया सशस्त्र बल बनाने का आदेश। बिहार में अपराध में भले ही कमी आई है, लेकिन अब भी कई ऐसे मामले सामने आ जाते हैं जो रूह को कपा देते हैं। ऐसे में अपराध पर अंकुश लगाना बेहद ही जरूरी हो गया है। यही कारण है कि बिहार सरकार के साथ साथ बिहार का पुलिस महकमा भी इस तरफ लगातार काम कर रहा है। इसी कड़ी में बीते दिन बिहार के डीजीपी एसके सिंघल ने सभी जिलों को इस बाबत दिशा निर्देश जारी किया है, जिसके तहत उन्होंने जिला पुलिस को सशस्त्र बल यानी कि आर्म्ड फोर्स की अलग से व्यवस्था करने की बात कही है। साथ ही ये भी साफ क्या है कि अब से बिहार में गंभीर आपराधिक मामलों में शामिल अपराधियों की गिरफ्तारी की कार्रवाई सख्ती से की जाएगी। साथ ही उन्होंने पुलिस मुख्यालय की तरफ से सशस्त्र बल के सिपाहियों से कार्यालय का काम लिए जाने पर भी नाराजगी जाहिर की है। औरंगाबाद के देव सूर्य मंदिर में आपको देखने को मिलेगा बहुत कुछ खास। देव सूर्य मंदिर, देवार्क सूर्य मंदिर या केवल देवार के नाम से प्रसिद्ध यह भारतीय राज्य बिहार के औरंगाबाद जिले में देव नामक स्थान पर स्थित एक हिंदू मंदिर है, जो देवता सूर्य को समर्पित है। यह सूर्य मंदिर अन्य सूर्य मंदिरों की तरह पूर्वाभिमुख न होकर के पश्चिमाभिमुख है। देवार्क मंदिर अपनी अनूठी शिल्पकला के लिए भी जाना जाता है। पत्थरों को तराश कर बनाए गए इस मंदिर की नक्काशी उत्कृष्ट शिल्पकला का नमूना है। इतिहासकार इस मंदिर के निर्माण का काल 6वीं-8वीं सदी के मध्य होने का अनुमान लगाते हैं, जबकि अलग अलग पौराणिक विवरणों पर आधारित मान्यताएं और जनश्रुतियां इसे त्रेता युगीन और द्वापर युग के मध्यकाल में निर्मित बताती है। जिस जगह कभी धोनी ने की थी शानदार बल्लेबाजी, अब वहां बनेगा स्टेडियम। बिहार राज्य भवन निर्माण निगम की तरफ से भागलपुर के जगदीशपुर मुख्य बाजार से सटे लोकनाथ उच्च माध्यमिक विद्यालय जगदीशपुर के क्रीड़ा मैदान के दिन सुधरने वाले हैं। एक समय था जब इस मैदान में भारतीय टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने धुआंधार बल्लेबाजी की थी। अब इसी मैदान को 1,01,00,000 रुपए की लागत से फुटबॉल स्टेडियम में तब्दील किया जाएगा। इसके लिए ठेका दे दिया गया है। टेंडर के अनुसार मैदान के चारों ओर चहारदीवारी का निर्माण, दर्शकों को बैठने के लिए सीढ़ीनुमा स्टेडियम और खिलाड़ियों के लिए 2 प्रसाधन कक्ष का निर्माण करवाया जाएगा। हाल ही में स्टेडियम के निर्माण के लिए भूमि पूजन भी किया गया था। घूस लेते पकड़ा गया राजस्व कर्मचारी।
बिहार सरकार में नौकरी की इच्छा किसकी नहीं होती। हर कोई सरकारी नौकरी के बारे में एक न एक बार जरूर सोचता है और सोचे भी क्यों ना। बतौर बिहार सरकार के कर्मचारी लोगों को कई सरकारी सुविधाओं का फायदा तो मिलता ही है, साथ ही मान सम्मान अलग। लेकिन बिहार सरकार में बहुत से ऐसे लोग भी जमे हुए हैं जो अपने पद का गलत इस्तेमाल करते हैं। इसी क्रम में शुक्रवार को विजिलेंस विभाग ने एक राजस्व कर्मचारी को घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। निगरानी विभाग टीम ने राजस्व कर्मचारी ने भागलपुर के जगदीशपुर अंचल कार्यालय से राजस्व कर्मचारी को घूस लेते गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि वो जमीन दाखिल खारिज के लिए 50,000 रिश्वत ले रहे थे। बिहार का मौसम अभी रहेगा शुष्क। मौसम विज्ञान केंद्र पटना से मिली जानकारी के अनुसार अभी बिहार में पछुआ हवा का प्रवाह बना हुआ है। पिछले 24 घंटे के दौरान राज्य का मौसम शुष्क रहा। इसके साथ ही न्यूनतम तापमान में 1 से 2 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई है। हालांकि अभी सुबह और रात में ठंड है, लेकिन दिन में साफ मौसम और धूप भी बीते दिन कुछ खास नहीं थी। पिछले 24 घंटे में अधिकतम तापमान में कोई खास बदलाव नहीं हुआ है। मौसम विभाग की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार अधिकतम तापमान 26 से 28 डिग्री के बीच दर्ज किया गया। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि सुबह और शाम में ठंड का असर हो रहा है। सुबह में मध्यम स्तर का कोहरा छाए रहने का अनुमान है। हालांकि इस प्रकार का सिस्टम प्रदेश में अभी नहीं बन रहा है। लेकर बिहार से आई एक अच्छी खबर। हाल ही में बिहार के भागलपुर के कदवा दियारा में बिहार के पक्षी विज्ञानियों को गरुड़ दिखा था, जिसके बाद बीते दिन खगड़िया के मानसी में भी गरुड़ देखा गया, जिसके बाद से ही अब खगड़िया के मानसी में भी गरुड़ ब्रीडिंग सेंटर की संभावना दिख रही है। हालांकि विश्व में अब तक मात्र 3 जगह ही इस श्रेणी में है, लेकिन अब खगड़िया के मानसी में भी गरुड़ ब्रीडिंग सेंटर बन सकता है। विभाग के प्रधान सचिव दीपक सिंह की माने तो हाल ही में खगड़िया के मानसी में गरुड़ देखा गया है। ये बात सामने आ रही है कि वहां भी इनकी संख्या है। इसका अध्ययन कराया जा रहा है, जो कि लुप्त रहे गुरुड़ के संरक्षण के लिहाज से यह बड़ी बात है। पंचायतों में खास अंदाज में रखी जाएगी शराबबंदी पर नजर। बिहार में पंचायत चुनाव अपने समापन की ओर है। अब तक 10 चरणों के मतदान हो चुके हैं और अब आखिरी चरण का मतदान 12 दिसंबर को होना है। इसी बीच बिहार में इन दिनों शराबबंदी की भी खूब लहर है। ऐसे में गांव की सरकार बनने के बाद गांव इलाके में भी शराबबंदी कानून सख्ती से लागू करवाना एक बड़ी चुनौती होगी, जिसका समाधान अब निकाल लिया गया है। बीते दिन पंचायती राज विभाग के मंत्री ने इस बाबत बताया कि पंचायती राज विभाग ने तय कर लिया है कि हर पंचायत में लगभग 100 सीसीटीवी कैमरा लगाया जाएगा। इसकी मदद से गांव में किसी भी कोने में कोई शराबबंदी कानून के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश करेगा तो उसकी पूरी हरकत सीसीटीवी में कैद हो जाएगी। अभी बंद नहीं होंगे बिहार के स्कूल। बीते दिन बिहार के कई स्कूलों में बच्चों के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद से ही स्कूल को लेकर अभिभावक और छात्र परेशान नजर आ रहे थे, जिसके बाद ऐसी आशंकाएं जताई जा रही थी कि शायद स्कूल को एक बार फिर से बंद कर दिया जा सकता है। हालांकि इन सब के बीच स्कूल बंद करने पर शिक्षा विभाग के अपर सचिव संजय कुमार ने सारी स्थिति साफ कर दी है, जिसके तहत उन्होंने कहा है कि वर्तमान में राज्य के स्कूलों को बंद करने या ऐसी कोई नई व्यवस्था करने का विचार विभाग के पास नहीं है। विभाग कोविड के आंकड़ों को लगातार मॉनिटर कर रहा है। ऐसी कोई जरूरत होगी तो क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप, जिसके अध्यक्ष मुख्य सचिव है, उसमें बातों को रखा जाएगा और निर्णय दिया जाएगा। दरभंगा एम्स की राह की बड़ी बाधा हो गई दूर। पटना एम्स की तर्ज पर बिहार का दूसरा एम्स दरभंगा में बनने की तैयारी हो रही है, लेकिन इन सब तैयारियों के बीच दरभंगा एम्स की राह में कई बाधाएं आ रही थी, लेकिन अब दरभंगा एम्स की राह की बड़ी बाधा दूर हो गई है, जिसके तहत राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने इसके लिए 202 एकड़ जमीन देने की प्रक्रिया पूरी कर ली है। जमीन का हस्तांतरण भारत सरकार के नाम पर किया जाएगा। इसके एवज में केंद्र सरकार को कोई भुगतान नहीं करना है। मालूम हो कि दरभंगा में एम्स का निर्माण जमीन की कमी के कारण रुका हुआ है। ज्ञात हो इस एम्स के बन जाने से 2,500 से अधिक मरीजों का इलाज होगा। 100 सीटों पर MBBS की पढ़ाई होगी। इतना ही नहीं, BSc नर्सिंग की पढ़ाई के लिए भी 60 सीटें हैं। रितु जायसवाल के पति ने जीता मुखिया का चुनाव। बिहार में पंचायत चुनाव जारी है। ऐसे में 10वें चरण की मतगणना के बाद उम्मीदवारों के चेहरे पर कहीं खुशी है तो कहीं गम है। इसी कड़ी में इस बार के चुनाव में राजद नेता और प्रदेश प्रवक्ता रितु जायसवाल के पति सिंहवासनी पंचायत के मुखिया चुन लिए गए हैं, जिसके बाद सिंहवासनी पंचायत के नवनिर्वाचित मुखिया अरुण कुमार चौधरी ने अपनी जीत के बाद कहा कि महात्मा गांधी का जो ग्राम स्वराज का सपना था, उसे अपने पंचायत में साकार करेंगे। रितु जायसवाल के द्वारा जो काम अधूरा रह गया है, उसे पूरा किया जाएगा। आपको बता दें, रितु जायसवाल के पति अरुण कुमार 1995 बैच के IAS अधिकारी रह चुके हैं। नीति आयोग की रिपोर्ट पर बिहार के मंत्री ने जताई आपत्ति। बिहार में भले ही विकास के दावे बिहार सरकार कर रही हो, लेकिन नीति आयोग का ऐसा मानना नहीं है। यही कारण है कि हाल ही में जब नीति आयोग की रिपोर्ट जारी हुई तो बिहार सरकार पर खूब उंगलियां उठी, लेकिन बिहार सरकार के मंत्रियों का ऐसा नहीं मानना है। आपको बता दें कि ऊर्जा एवं योजना विकास मंत्री विजयेंद्र यादव ने नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार को पत्र के साथ 9 पन्ने का ज्ञापन भेजा है। ज्ञात हो मंत्री विजयेंद्र यादव ने रिपोर्ट पर कड़ी आपत्ति जताते हुए कहा कि यह रिपोर्ट 2015-16 के आंकड़ों पर आधारित है। इसमें राज्य की वृद्धि दर और लगातार हो रही प्रगति को शामिल नहीं किया गया है।
किसानों को खाद के लिए अभी करना होगा और इंतजार। बिहार के किसानों को खाद की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि बीते कुछ दिनों से ऐसी खबरें आ रही थी कि बिहार में खाद की समस्या से जल्द ही निदान मिलेगा, जिसका दावा खुद कृषि मंत्री कर रहे थे, लेकिन बीते दिन के बयान में उन्होंने ठीक उलट बात कही है, जिसके तहत उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि कोरोना को लेकर परिवहन में दिक्कत होने के कारण किसानों तक खाद अभी तक नहीं पहुंच सका है, जल्द ही खेतों पर खाद पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। प्रदेश में खाद की किल्लत हुई है, इस बात को हम जानते हैं। इसी महीने 13 तारीख के बाद बिहार में खाद खेत तक पहुंचने की उम्मीद है। इसको लेकर हम लगातार केंद्र सरकार से बात कर रहे हैं, केंद्रीय मंत्री से भी हमारी बात हो रही है। हम लोग पूरी तरह सतर्क हैं और संपर्क में हैं, और हमारी कोशिश है कि फसल की बुआई तक किसानों को किसी भी तरह से खाद की कमी की समस्या नहीं दिया जाए। बिहार पंचायत में बिहार मॉडल के मुरीद हुए कई राज्य। बिहार पंचायत चुनाव में चुनाव आयोग ने कई नई तकनीक का इस्तेमाल किया था, जिससे ही बिहार में अब तक के हुए चुनाव को सफलतापूर्वक बताया गया है। आलम कुछ यूं है कि बिहार पंचायत के लिए बनाए गए बिहार के मॉडल के मुरीद अब कई राज्य भी हो गए हैं, जिसकी जानकारी खुद पंचायती राज के मंत्री सम्राट चौधरी ने दी है। पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने बताया कि इस बार का चुनाव फ्री एंड फेयर पोल की दिशा में बिहार की बड़ी उपलब्धि कही जा सकती है। इसको करीब से जानने समझने के लिए ओडिशा, गुजरात, चंडीगढ़ और नागालैंड से टीम भी थी। ये टीमें बिहार पंचायत इलेक्शन को देखकर काफी खुश हुई और अपने अपने प्रदेशों में बिहार पंचायत इलेक्शन मॉड्यूल लागू करने की योजना में काम कर रही है। रोजगार के मामले में सबसे आगे होगा बिहार। बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान एनडीए गठबंधन ने जब वादों के कसीदे पढ़े थे, तब उसमें 19 लाख रोजगार देने की बात भी कही गई थी, लेकिन अब तक उस वादे का कुछ खास प्रभाव नहीं होता दिखाई दे रहा है। लेकिन बिहार सरकार को पूरी उम्मीद है कि बिहार में जल्द ही रोजगार के अवसर और ज्यादा बढ़ने वाले हैं। इसको लेकर उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन ने बीते दिन बड़ा दावा भी किया है, जिसके तहत उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में उद्योग और रोजगार के मामले में बिहार सबसे आगे होगा। युवाओं को बाहर कहीं भटकना नहीं पड़ेगा। प्रदेश में उद्योग और रोजगार कैसे बढ़े, इसके लिए काम कर रहे हैं। खासकर हाजीपुर इंडस्ट्रियल एरिया बंद प्लांट कैसे चालू हो और रोजगार कैसे बढ़े, इसके लिए काम लगातार किया जा रहा है। दूसरे भाग में शादी के बाद मुख्यमंत्री का सपना देखना छोड़ दे तेजस्वी। बचपन की दोस्त से शादी करने के बाद भले ही तेजस्वी यादव खुश नजर आ रहे हों, लेकिन राजद परिवार में हर कोई उनके इस रिश्ते से खुश नहीं है। तेजस्वी के मामा ने ही तेजस्वी के दूसरे धर्म में शादी के फैसले का विरोध किया है, जिसके तहत उन्होंने कहा कि लालू यादव दूसरे को भगचोनहर कहते हैं। असली भगचोनहर तो तेजस्वी है। उसकी दूसरे धर्म में शादी से परिवार ही नहीं पूरा समाज कलंकित हुआ है। क्या उसे अपने समाज में लड़की नहीं मिली? अब तेजस्वी यादव बिहार का मुख्यमंत्री बनने का सपना छोड़ दे। 8 वर्ष से उस लड़की के साथ रिलेशन में था और पूरे समाज और बिहार को ठग रहा था। कांग्रेस में विलय की अटकलों के बीच पप्पू यादव ने 16-17 दिसंबर को बुलाई मीटिंग। विधानसभा उपचुनाव में जन अधिकार पार्टी ने कांग्रेस का समर्थन का ऐलान करके सबको चौंका दिया था, जिसके बाद अब बिहार में जन अधिकार पार्टी के कांग्रेस में विलय होने की खबरें लगातार सामने आ रही है। हालांकि पप्पू यादव ने या फिर पार्टी की तरफ से किसी ने भी अब तक इस मुद्दे को लेकर कोई भी बयान नहीं दिया है, लेकिन पार्टी की तरफ से जो जानकारी निकल करके सामने आई है कि 16-17 दिसंबर को बैठक बुलाई गई है। हालांकि इससे पहले 2 दिसंबर को पार्टी की सभी समितियों और विंगों को भंग कर दिया गया है, जिसके बाद से ही कांग्रेस और जाप के मिलन की अटकलें तेज हो गई थी। मुकेश सहनी अपनी नाव से ही श्रीराम की तरह पार करेंगे विधानसभा चुनाव की नैया। उत्तर प्रदेश चुनाव अगले साल होने हैं, हालांकि इसको लेकर के तैयारियां और चर्चा बिहार में भी तेज है, क्योंकि बिहार की कई राजनीतिक पार्टियां इन चुनाव में अपना दमखम दिखाने वाली है, जिसमें से एक है वीआईपी। हाल ही में मुकेश सहनी की वीआईपी को चुनाव चिन्ह भी आवंटित कर दिया गया है, जिसके बाद बीते दिन उन्होंने आगामी चुनाव को लेकर बड़ी बात कही है। मीडिया हाउस से बातचीत के दौरान उन्होंने दावा किया कि उन्हें इलेक्शन कमीशन की तरफ से चुनाव चिन्ह में नाव का सिंबल मिला है, इसी के सहारे वो यूपी में अपनी नैया भी पार लगाने वाले हैं। इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से दर्ज। ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1687 में मद्रास में नगर निगम बनाया। प्रथम अंगल सिख युद्ध 1845 में शुरू हुआ। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय और यदुनाथ बोस 1858 में कलकत्ता विश्वविद्यालय से कला विषय के पहले स्नातक बने। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1946 में भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष निर्वाचित हुए। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, जिसकी पहल भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने संयुक्त राष्ट्र में रखकर की, जिसकी स्वीकृति संयुक्त राष्ट्र ने 11 दिसंबर 2014 को ही दी थी। भारत शतरंज खिलाड़ी विश्वनाथन आनंद का जन्म 1969 में आज के दिन हुआ था। भारतीय सिनेमा के महान नेताओं में शुमार दिलीप कुमार का जन्म 1922 में आज के दिन हुआ था। प्रसिद्ध दार्शनिक कृष्णचंद्र भट्टाचार्य का निधन 1949 में आज के दिन हुआ था। प्रसिद्ध कवि और गीतकार कवि प्रदीप का निधन 1998 में आज के दिन हुआ था। विराट कोहली से
कप्तानी देने पर बीसीसीआई अध्यक्ष सौरभ गांगुली ने दिया बयान। वनडे अंतर्राष्ट्रीय में भारतीय टीम की कप्तानी विराट कोहली से छीनकर रोहित शर्मा को देने के बाद बीसीसीआई की तरफ से किसी ने अपनी सफाई पेश करी है। लगातार ट्विटर पर #ShameOnBCCI ट्रेंड कर रहा था और सौरभ गांगुली के लिए भी विराट कोहली के चाहने वाले लगातार पोस्ट कर रहे थे, जिसके बाद ही सौरभ गांगुली ने अब इस मुद्दे पर अपना बयान दिया है। इस बाबत सौरभ गांगुली ने कहा कि यह फैसला बीसीसीआई और चयनकर्ताओं ने मिलकर लिया है। चयनकर्ताओं को टेस्ट क्रिकेट और वनडे के लिए एक कप्तान और 2020 क्रिकेट के लिए अलग कप्तान का आइडिया सही नहीं लगा, इसलिए उन्होंने सफेद बॉल क्रिकेट के लिए और लाल बॉल क्रिकेट के लिए अलग अलग कप्तान रखने का निर्णय लिया। अब आइए जानते हैं सराफा बाजार और पेट्रोल डीजल के क्या थे भाव। अगर हम सराफा बाजार की बात करें तो सोने का भाव 11 दिसंबर को 22 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 46,290 रुपए था। इसके साथ ही 24 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 49,560 रुपए था। इसके साथ ही अगर हम चांदी की बात करें तो चांदी का भाव प्रति किलो 60,700 रुपए था। इसके साथ ही राजधानी पटना में पेट्रोल की कीमत 105.90 रुपए प्रति लीटर और डीजल के दाम 91.09 रुपए प्रति लीटर थे। मेटा ने बदली पॉलिसी, फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप चलाने का बदला लिया। मेटा ने अपनी पॉलिसी में बदलाव का ऐलान किया है। ऐसे में आने वाले दिनों में फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप चलाने के नियम में बदलाव हो जाएगा। नए नियम सामाजिक मुद्दों वाले विज्ञापन को लेकर है। नए नियम लागू होने के बाद फेसबुक और इंस्टाग्राम पर विज्ञापन पर डिस्क्लेमर जारी करना होगा। दरअसल पिछले कुछ वर्षों में मेटा पर चुनाव को प्रभावित करने जैसे आरोप लगे हैं, जिससे मेटा अपने प्लेटफॉर्म को ज्यादा पारदर्शी और जिम्मेदार दिखाने की कोशिश में है। यही वजह है कि मेटा ने अपने प्लेटफॉर्म के लिए कुछ नए नियम लागू किए हैं। कंपनी का दावा है कि चुनाव में बेहतर सुरक्षा और लोगों को वोट देने और अपने प्लेटफॉर्म को बेस्ट बनाने के लिए भारी निवेश किए हैं। बिहार पुलिस में सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा के एडमिट कार्ड हुए जारी। बीपीएसएससी यानी कि बिहार पुलिस अधीनस्थ सेवा आयोग ने बीते दिन बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2021 के एडमिट कार्ड को जारी कर दिया है, जिसके तहत ही अब जिन भी लोगों ने इस भर्ती परीक्षा में शामिल होने के लिए आवेदन किया था वो बीपीएसएससी की आधिकारिक वेबसाइट bpssc.bih.nic.in पर जाकर एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं, जिसके बाद अब इस परीक्षा का आयोजन 12 दिसंबर को होने वाला है। हालांकि बीपीएसएससी ने सभी अभ्यर्थियों से यह खास अपील की है कि वो अपने एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि इसके बिना एग्जाम सेंटर पर परीक्षार्थियों को प्रवेश नहीं मिलेगा। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है धर्मराज कुमार, चंदन सिंह, हरेंद्र कुमार पांडे, पंकज कुमार, शंकर मुखिया, नुनू कुमार, आफताब आलम, विनय कुमार, साहिबा खातून, कविता कुमारी, कांति कुमारी, संजय सिंह, रामबाबू कुमार। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे हैं, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार राजधानी पटना में अचानक से बढ़े कोरोना मामलों को देखते हुए क्या स्कूल कॉलेज को बंद कर देना चाहिए या नहीं? अपने जवाब में कॉमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन